हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2020 में अपने टॉमेट एग्जामिनेशंस के लिए अपियर करने वाले हैं, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले या फिर दोस्तों आपको अपने एग्जाम्स अटेंड करने से पहले अपने अपने असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होते हैं। सो दोस्तों, आपके असाइनमेंट्स के लिए कुछ ऐसे असाइनमेंट्स थे जिनके लिए आपको 15 मार्च, कुछ असाइनमेंट्स के लिए 31 मार्च और दोस्तों कुछ ऐसे भी असाइनमेंट्स थे जिनके लिए आपको 30 अप्रैल तक लास्ट डेट दी गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी आपके लिए एक गुड न्यूज़ इग्नू की तरफ से आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया। दोस्तों, आप इग्नू के ऑफिशियल पेज में यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर जून 2020 टॉमेट एग्जामिनेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 30th अप्रैल 2020। मतलब दोस्तों, आप अभी अपने असाइनमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक को क्लिक करके और इसका PDF अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के लिए जो भी स्टूडेंट्स अभी टॉमेट एग्जामिनेशंस जून 2020 के लिए एलिजिबल है, जैसे कि जिन्होंने जुलाई 19 में अपना एडमिशन लिया था एनुअल प्रोग्राम वाले, और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था 6 महीना या फिर 6 सेमेस्टर वाले प्रोग्राम्स के लिए, उन सभी की जो लास्ट डेट थी 31 मार्च, उसे अभी बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 तक कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स अभी अपने असाइनमेंट्स ईजिली जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी होता है, इसके लिए मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। इसलिए दोस्तों, आप अभी आराम से घर बैठ के अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। अगर आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर असाइनमेंट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि एक स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड है। दोस्तों, आप यहाँ पर स्टेटस में देख पा रहे हैं Not completed। मतलब दोस्तों, इन्होंने अपने असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किए, जिसकी वजह से इनका स्टेटस में अभी तक नॉट कम्प्लीटेड लिखा हुआ है। और दोस्तों, जब तक आपका यहाँ पे नॉट कम्प्लीटेड रहेगा, तब तक आपकी डिग्री डिप्लोमा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पर जमा करवा देना। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम फॉर्म में भी आपके असाइनमेंट्स के लिए यहाँ पर टाइम पर आपको आपके हर पेज में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको अपने असाइनमेंट्स जमा करवाना कंपलसरी है। दोस्तों, आपके असाइनमेंट्स के लिए 30 अप्रैल तक लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक ही है। ऐसे तो दोस्तों, आप 30 अप्रैल तक भी अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फिर 500 लेट फीस पेमेंट करना होगा। इसलिए दोस्तों, अच्छा है कि आप 31 मार्च से पहले ही अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें। दोस्तों, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका मैंने अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सअप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।